दोस्तों इस कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़की एक नया बॉयफ्रेंड बनाती है और वो उसके साथ फुल एंजॉय करती है। लेकिन तभी दोस्तों ये लड़का उसको एक पुराने से घर में ले जाता है और इसके बाद दोस्तों इस घर में इस लड़की के सामने जो सच्चाई आई वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है और हम एक नोआ नाम की लड़की को देखते हैं जो एक लड़के से मिलने रेस्टोरेंट में आई है और उस लड़के से नोआ की पहचान एक सोशल डेटिंग ऐप पर हुई थी और वो दोनों खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। लेकिन उस लड़के की बातें नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो लड़का खाने का बिल भी नोआ से पे करवाता है और ये बात तो नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और नोआ को लगता है कि उस लड़के को खाना खाने का भी बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तो ये बात नोआ को काफी अजीब लगती है और अब नोआ उस लड़के को आगे डेट करने से मना कर देती है और उसे रिजेक्ट कर देती है और वो रिजेक्शन पाते ही वो लड़का नोआ को भला बुरा कहने लगता है और वहां से जाने लगता है। और अब नोआ भी जाने लगती है और अपनी फ्रेंड मोली से मिलती है और उसे अपनी डेट के बारे में बताती है। तो मोली उससे कहती है कि उसे किसी ऐप पर नहीं वैसे ही किसी अच्छे लड़के को ढूंढना चाहिए और अब दोनों हंसी मजाक करने लगती है और उसके बाद नोआ अपने घर चली जाती है और सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट चेक करने लगती है। और अब जैसे ही नोआ सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट चेक करती है तो वह देखती है कि किसी आदमी ने उसे न्यूड पिक्चर भेज रखी है और ये बात नोआ को बेहद ही बुरी लगती है। इसके बाद नोआ एक ग्रोसरी स्टोर में जाती है जहां पर उसे एक लड़का मिलता है और वो नोआ से बातें करने लगता है। तो हमें पता चलता है कि उसका नाम स्टीव है और उस लड़के की बातें नोआ को भी अच्छी लगने लगती है और अब दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और स्टीव वहां से जाने लगता है। और अगले दिन नोआ अपनी फ्रेंड मोली को स्टीव के बारे में बताती है और कहती है कि वह लड़का दिखने में भी बेहद हैंडसम है और बातें करने में भी बहुत अच्छा है। तो मोली नोआ से कहती है कि उसे स्टीव को डेट करना चाहिए। अब नोआ जाने लगती है, उसके पास स्टीव का मैसेज आता है, वह उसे मिलने के लिए बुला रहा था। तो नोआ भी स्टीव से मिलने जाती है और दोनों एक बार में मिलते हैं और दोनों में बातें होने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तो नोआ बताती है कि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं, वो अकेली रहती है। तो स्टीव भी कहता है कि वो भी अकेला रहता है, उसके भी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और दोनों बातें करने लगते हैं। अब आगे स्टीव कहता है कि वो एक डॉक्टर है और नोआ भी उसे अपने काम के बारे में बताती है। अब नोआ स्टीव की बातों से इम्प्रेस हो जाती है और स्टीव भी उसे लाई करने लगा था और दोनों नोआ के घर चले जाते हैं और अब दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन स्टीव अचानक ही रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है, लेकिन एक बार फिर वह नोआ के पास आ जाता है। अब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उस रात अब वे दोनों साथ में ही सो जाते हैं। अब जब सुबह नोआ उठती है तो काफी खुश लग रही थी और स्टीव जो सो रहा था पिक्चर क्लिक कर लेती है और सावर लेती हुई अपनी फ्रेंड मोली से बात करती है और अपनी दोस्त मोली को स्टीव के साथ बिताई गई रात के बारे में बताती है। तो मोली स्टीव के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछती है तो नोआ कहती है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है। तो दोस्तों ये बात मोली को बड़ी ही अजीब लगती है। इसके बाद मोली फोन कट कर देती है। इसके आगे हम देखते हैं कि स्टीव और नोआ खाना खा रही थी तो स्टीव नोआ को मीट खाने से रोकता है और ये बात नोआ को काफी पसंद आती है, वीकेंड ट्रिप पर जाने को कहता है। अब इसके बाद नोआ भी काफी खुश हो जाती है और ट्रिप पर जाने के लिए मान जाती है और इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद का सीन बदलता है और हम नोआ को उसकी फ्रेंड के साथ कॉल पर बातें करते देखते हैं और वह अपनी फ्रेंड मोली को ट्रिप के बारे में बताती है और स्टीव की एक पिक्चर भी सेंड करती है। इसके बाद स्टीव और नोआ गाड़ी से ट्रिप के लिए जाने लगते हैं और नोआ स्टीव से बेहद ही खुश थी और वो इस खुशी को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहती थी। वो उसे मैसेज करती है लेकिन दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैसेज उस तक नहीं पहुंचता है। अब इसके बाद वो दोनों एक जंगल में बने घर में पहुंच जाते हैं जो दिखने में डरावना लग रहा था लेकिन अंदर से बेहद ही अच्छा था और नोआ घर में लगी पेंटिंग को देखती है जो अजीब लग रही थी और तभी स्टीव उसे ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों बातें करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करने के बाद नोआ को नशा होने लगता है और दोस्तों वो चीज पीते ही अचानक ही नोआ गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बात से स्टीव को कोई भी असर नहीं होता है और स्टीव ये देखकर स्माइल कर रहा था। और दोस्तों इस कहानी में यहीं से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जिसकी जब आपको असलियत पता चलेगी तो आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नोआ को एक रूम में बांध कर रखा है और नोआ जब उठती है और खुद को बंधा हुआ देखती है तो बेहद ही घबरा जाती है और स्टीव से खोलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टीव उसके साथ रेप करना चाहता है। लेकिन दोस्तों स्टीव उसे समझाता है कि वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि वो नोआ को लाइक करता है। लेकिन जब स्टीव ने अपना प्लान उसे बताया तो वो सुनकर नोआ बेहद ही डर जाती है। स्टीव ने कहा कि वो उसे मारना नहीं चाहता लेकिन वो उसकी बॉडी के मांस को काट कर उसे सेल करना चाहता है, यानी उसे बेचना चाहता है। और इसके आगे स्टीव कहता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जवान और खूबसूरत लड़कियों का मांस खाना चाहते हैं और स्टीव उन्हें ये मांस सप्लाई करता है। अब ये सुनते ही नोआ बेहद ही डर जाती है और वह वहां से भागने की कोशिश करती है तो स्टीव उसे रिलैक्स करवाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद नोआ चीखने चिल्लाने लगती है और तभी उसे दूसरे रूम से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम पेनी है और स्टीव उसे भी नोआ की तरह ही अपने जाल में फंसा कर यहां लाया था और वह बताती है कि उसका भी इस दुनिया में और कोई नहीं है। यानी कि दोस्तों
स्टीव ऐसी ही लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था जिनका इस दुनिया में कोई भी न हो, ताकि कोई भी उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। आगे हम देखते हैं कि मोली नोवा को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, उसे मैसेज करती है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब इसके बाद हम नोवा को देखते हैं जो बेहद ही डरी हुई थी, लेकिन तभी वो लड़की पेनी उसे बताती है कि उनके साथ इस घर में एक लड़की और भी है जिसका आधा शरीर स्टीव ने काट दिया है और वो पागल हो गई है। लेकिन दोस्तों वो आपस में बात तो कर सकती थी, लेकिन अलग अलग रूम में होने के कारण वो एक दूसरे को देख नहीं सकती थी। इसके बाद का सीन बदलता हम देखते हैं कि एक दिन मोली को नोवा के फोन से एक मैसेज आता है, तो मोली चैट करती है, तो उसे शक हो जाता है कि नोवा के फोन से कोई और चैट कर रहा है, और वो नोवा के फोन से सेंड की गई पिक्चर को इंटरनेट पर सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि ये पिक्चर नेट से डाउनलोड कर उसे भेजी गई है, और वो स्टीव के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, पर उसे स्टीव की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मोली को नोवा की चिंता होने लगी थी, उसे ऐसा लगने लगा था कि आखिर नोवा गई कहां। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव एक कोल्ड स्टोर से एक लड़की का कटा हुआ पैर निकालता है, उसे काट कर मांस के टुकड़ों की पैकिंग करता है, और उन पैकिंग्स में वो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स और लड़कियों का और भी सामान पैक करता है, और उन पैकिंग्स को एक आदमी डिलीवरी के लिए ले जाता है, और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस मीट को खाना पसंद करते हैं। इसके बाद स्टीव नोवा को खाना दे देता है, तो नोवा उससे सावर लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, और स्टीव उसे खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन दोस्तों ये नोवा की एक चाल थी, और वो अचानक स्टीव से छुटाकर भागने की कोशिश करती है, और नोवा की इस हरकत से स्टीव को नोवा पर गुस्सा आ जाता है, और वह नोवा को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। और इसके बाद दोस्तों स्टीव नोवा के पिछवाड़े का मांस काटने लगता है, यानी कि अब स्टीव नोवा का भी मांस सेल करेगा। इसके आगे हम मोली को देखते हैं जो उसी बार में जाती है जहां नोवा और स्टीव मिले थे, तो वहां उसे पोल मिलता है जो उस रेस्टोरेंट का मालिक है और वो मोली का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। तो मोली पोल को नोवा के बारे में बताती है और उसे हेल्प करने को कहती है, पर पोल उसे मना कर देता है, पर मोली किसी तरह पोल को मना लेती है और उसे स्टीव की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है और वहां से चली जाती है। और इसके बाद नोवा को दिखाया जाता है जो कि दर्द की वजह से काफी मुश्किल में थी। और इसके आगे हम देखते हैं कि एक दिन मोली के पास पोल का मैसेज आता है जिसमें पोल ने स्टीव का ओरिजिनल नाम ब्रेंडन बताया था, यानी कि ब्रेंडन और स्टीव एक ही आदमी है। तो अब मोली इंटरनेट पर ब्रेंडन की इन्फॉर्मेशन निकालती है, तो उसे स्टीव की वाइफ की आईडी पता चलती है और वो स्टीव की वाइफ एनी से मिलने उसके घर के पास पहुंच जाती है। इसके बाद हम नोवा को देखते हैं जो बेहद परेशान थी, उसे ये लग रहा था कि उसने स्टीव के साथ इंटीमेट होकर गलती कर दी है, और नोवा को अब ये भी लग रहा था कि क्या वे वाकई में यहाँ से बचकर निकल पाएगी। अब इसके बाद नोवा स्टीव से पूछती है कि अगर उसे मारना ही था तो उसके साथ सोया ही क्यों। इस बात पर स्टीव कहता है कि वो नोवा को लाइक करता है, लेकिन जब वो 17 साल का था तब उसने पहली बार किसी लड़की का मांस खाया था, तो अब उसे लड़कियों का मांस खाना और बेचना पसंद है। अब इसके बाद स्टीव वहां से उठकर जाने लगता है, और तभी अचानक नोवा की नजर पड़ती है मैगजीन पर जिस पर किसी सेमी नाम की लड़की ने लिखा था कि अगर स्टीव तुम्हें लाइक करता है तो तुम उससे बच सकते हो। और दोस्तों यहीं से नोवा के मन में एक खुरापाती आइडिया आता है। और अब इसके बाद हम आगे दूसरी तरफ मोली को देखते हैं जो स्टीव के घर जाती है और उसकी वाइफ से स्टीव और नोवा के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है कि वो किसी भी स्टीव और नोवा को नहीं जानती है। और तभी स्टीव भी आ जाता है, तो मोली स्टीव से नोवा के बारे में पूछती है, तो स्टीव भी मना कर देता है कि वो किसी भी नोवा नाम की लड़की को नहीं जानता है। तो मोली वहां से जाने लगती है, लेकिन दोस्तों जाते जाते मोली अपनी फ्रेंड नोवा को फोन पर कॉल लगाती है, और वह जैसे ही कॉल लगाती है तो स्टीव के पास रिंग बजती है, तो अब मोली को पता चल जाता है कि यही स्टीव है। और तभी अचानक पीछे से स्टीव और उसकी वाइफ दोनों ही मोली को किडनैप कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि इस पूरे खेल में स्टीव के साथ उसकी वाइफ भी शामिल थी। इसके बाद हम स्टीव और उसकी वाइफ को देखते हैं। स्टीव अपनी वाइफ से कहता है कि कल वो घर नहीं आएगा, उसे न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, और वहां से चला जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि स्टीव की वाइफ बाथरूम में अपने कपड़े निकाल रही है, लेकिन दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि उसका भी एक पैर कटा हुआ है, शायद उसे भी स्टीव ने फंसाया होगा, लेकिन इस लड़की के प्यार के कारण शायद उसने इससे शादी कर ली थी। इसके आगे हम स्टीव को देखते हैं जो कोल्ड स्टोर से किसी लड़की का बॉडी पार्ट निकालता है, उसे काटकर उसे खाना बनाता है, और नोवा के साथ वो ड्रिंक करने लगता है। और इसके बाद स्टीव नोवा को भी लड़की का मीट खिलाता है, और अब नोवा भी अपने प्लान के चलते उस मीट को खाने लगती है, और खाना खाने के बाद स्टीव नोवा को वापस रूम में छोड़ देता है। और दोस्तों ये मीट खाना नोवा की एक चाल थी, और नोवा रूम में आते ही उल्टी करने लगती है। उसके बाद स्टीव एक रूम से लड़की को उठाकर ले जाता है और उस लड़की का मांस काटने लगता है। और इसके बाद नोवा के रूम में आता है और नोवा को एक बॉक्स देता है जिसमें एक ड्रेस थी, और नोवा से कहता है कि आज रात वो उसके साथ डिनर करना चाहता है और उसे रात के लिए तैयार होने को कहता है, और खुद भी तैयार होने लगता है, और नोवा भी तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद स्टीव आता है और उसे डिनर टेबल तक ले जाता है, और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। और ड्रिंक करने के बाद स्टीव नोवा को लड़की का मीट खिलाता है, और नोवा भी अपनी चाल के चलते मांस खाने लगती है। तो स्टीव उसे कहता है कि ये जिस लड़की का मांस है उसका नाम
मिलीशा था और दीवार पर लगी पेंटिंग हटाकर उसके पीछे से उन लड़कियों का सामान और फोटो दिखाता है जिनको आज तक उसने काट दिया था। तो अब आगे नोवा पूछती है कि उसका सामान कहाँ है, तो स्टीव कहता है कि उसने नोवा का सामान अपने पास रखा है और इसके बाद वे वापस उसे डिनर टेबल पर ले जाता है और नोवा को मीट खाने को कहता है और उसे बताता है कि ये किसी लड़की के ब्रेस्ट का मांस है। अब नोवा उस मांस को खाने लगती है और स्टीव की तारीफ करने लगती है, लेकिन दोस्तों नोवा को ये नहीं पता था कि वो जिस मांस को खा रही है वो उसकी ही दोस्त मोली के ब्रेस्ट का मांस है। अब इसके बाद नोवा ये सब चीजें देखकर डरने लगती है और रोने लगती है। स्टीव उसे समझाता है कि वो नोवा के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा और उसे प्यार से किस करने लगता है और अब दोनों रोमांस करते हुए डांस करने लगते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नोवा अपने प्लान के चलते धीरे धीरे स्टीव के कपड़े निकालने लगती है और धीरे धीरे कर वो उसके सारे कपड़े उतार देती है और दोस्तों जैसे वह उसकी पैंट नीचे करती है तो अचानक ही पैंट नीचे करते ही नोवा उसके प्राइवेट पार्ट को दांतों से काट देती है और ऐसा करते स्टीव को इतना दर्द होता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन दोस्तों नोवा सभी रूम की चाबियां लेकर अपनी फ्रेंड मोली को रूम से बाहर निकालती है जिसका एक ब्रेस्ट स्टीव ने काट लिया था और इसके बाद नोवा दूसरे रूम में फंसी पेनी को भी निकाल लेती है जिसका एक पैर कटा हुआ था और इसके बाद वो दोनों लड़कियों को वहां से निकाल लेती है कि तभी स्टीव नोवा पर हमला कर देता है। तो मोली और पेनी स्टीव पर हमला कर देती है लेकिन तभी मोली का फ्रेंड पोल भी अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन तक पहुंच जाता है पर स्टीव नोवा का पीछा कर रहा था और गोलियां चला रहा था तो गोलियों की आवाज से पोल अपनी गाड़ी लेकर वहां चला जाता है और तभी स्टीव की वाइफ उस घर में आ जाती है तो उस घर की हालत देखकर उसे पता चल जाता है कि यहां कुछ हुआ है क्योंकि दोस्तों स्टीव की वाइफ भी स्टीव के इस काम में उसका साथ दे रही थी। इसके आगे हम मूवी में देखते हैं कि स्टीव नोवा और उसकी फ्रेंड का पीछा कर रहा है तो वो तीनों अलग अलग हो जाती है और जैसे स्टीव उनके पास आता है तो नोवा उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है और स्टीव की गन से उसे गोली मार देती है और तीनों बचकर वहां से जाने लगती है कि तभी नोवा को याद आता है कि उसका फोन गिर गया है तो वो फोन को ढूंढने के लिए वापस जाती है तो उसे फोन मिल जाता है कि तभी पीछे से नोवा पर स्टीव की वाइफ हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से मोली आ जाती है और वो नोवा को बचा लेती है और स्टीव की वाइफ को भी मार देती है। अब वो तीनों बिल्कुल सेफ थी और नोवा की हिम्मत की वजह से उन सब की जान बच पाई थी। और इस मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि एक टेबल पर मीट पड़ा है और उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं और इसी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूं एक नई मूवी के साथ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।